उत्तर प्रदेश की गलियों से एक छोटी गांव की लड़की ने यूपी बोर्ड में अपना नाम रोशन किया है। प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करने वाली कशिश यादव की यह कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही भावुक भी। कशिश के पिता एक निजी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं और माँ एक घरेलू महिला। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और हर संभव मदद की। अच्छा लग रहा है लाइक। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली और बस। कशिश ने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पढ़ाई की जिसने उन्हें 12वीं की परीक्षा में 97.40% अंक हासिल करने में मदद की। उनकी कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ने उन्हें उपलब्धि दिलाई। पहले मैं 8 आवर्स की स्टडी करती थी बट बोर्ड्स के टाइम पे मैंने बढ़ाकर 12 आवर्स कर दिया। कशिश के शिक्षक उन्हें एक उज्जवल छात्र बताते हैं जिसने हमेशा गहन समझ और विश्लेषणात्मक सोच का परिचय दिया। उनकी कक्षा में सक्रिय भागीदारी और पूछताछ की प्रवृत्ति ने उन्हें अपने सहपाठियों में विशेष बनाया। ये कि अगर अच्छे से पढ़ते हो तो फिर रैंक भी अच्छी आएगी, परसेंटेज अच्छे आएंगे। कशिश का सपना डॉक्टर बनना है। वो कहती हैं कि उन्हें देश सेवा करने का जुनून है और वह आगे कहती हैं कि वह अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण और डॉक्टर बनने की उनकी ख्वाहिश के बल पर देश और समाज की सेवा करना चाहती है। आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। अच्छा, अपना पूरा परिचय बता दीजिए, विद्यालय का नाम बता दीजिए। आई एम कशिश यादव, डॉटर ऑफ राकेश यादव एंड मिसेस रीता यादव एंड मैं आई एम फ्रॉम द स्कूल न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। कशिश यादव की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी कठिनाइयों को पार करके बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लोकल 18 रायबरेली से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।